देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर में दिया है। करा कि इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, माने उसका लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक बड़ा है। माने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक बड़ा है, तो हम लोगों को उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ जो है निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक बड़ा है, तो हम ब्रेथ को मान लें एक्स, मान लें लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर। जब ब्रेथ एक्स मीटर मान लिए तो कंडीशन ये कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक बड़ा है, तो लेंथ हो जाएगा 2x+1 मीटर, क्योंकि यहां कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा लेंथ है, लेंथ ही हो गया। अब एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारा जो है 2x+1 है और ब्रेथ है x, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 528, तो 528 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लें, 2x का x में इंटू करेंगे 2x2, 1 का x में करेंगे x, इसको इधर बुला लें -528 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, 528 में 2 से पहले इंटू कर लें 1056, इसको फैक्टराइज करके 1 लाना है, तो थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर दें, काट दें, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, ये 2 हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2 2 2 3 3, 2 2 4 2 8 2 16, 32, मतलब 33 और 32। 2x²+33x-32x-528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x²+32x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, ये आएगा 2x+33, x कॉमन ले लिए तो 2x बचा, क्योंकि 2x में x का इंटू करेंगे 2x² आएगा, और 33 में x का करेंगे 33x आएगा, माइनस इसमें 16 कॉमन ले लें तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 16 2 जा 32, और +33, क्योंकि 33 का 16 में इंटू करेंगे तो 528 आएगा इज इक्वल टू 0। माने x -16 और 2x+33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें, x -16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा 16। यहाँ से यदि वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू -33/2, तो x इज इक्वल टू 16 आया, तो लेंथ हमारा जो है हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लेंथ हो जाएगा 2x+1 है, तो 2 × x की वैल्यू 16 रख दें +1, तो 16 2 जा 32 और 1, 33 मीटर हो जाएगा लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगा x माने 16 मीटर। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ जो है उस प्लॉट का 33 मीटर और 16 मीटर होगा। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट दिया है 306, और आपको इंटीजर जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लें। ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है, जैसे यदि आपका एक नंबर 3 है तो दूसरा 4 होगा, माने एक नंबर यदि x है तो दूसरा x+1 होगा, यदि एक नंबर हमारा 2x है तो दूसरा 2x+1 होगा, मतलब 1 ऐड करके दूसरा नंबर हम लोग निकाल लेंगे।
तो यदि हम कहें कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यदि एक्स है, तो दूसरा जो होगा हमारा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएगा हमारा x+1। फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, x में इंटू किए x2+x इज इक्वल टू 306 है। यदि हम इसको इस साइड में बुला लें तो -306 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 306 को ब्रेक कर दें, कर 9 2 18, 17 और 18 दो नंबर हैं। x²+18x-17x-306 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x+18 -17 कॉमन ले लें, x+18 इज इक्वल टू 0। माने x-17 और x+18, यदि इसकी वैल्यू 0 हो तो एक आ जाएगा x की वैल्यू 17 और एक आ जाएगा x की वैल्यू -18। तो माइनस में हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नेगलेक्ट कर दें ये वैल्यू, तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगा। माने पहला पॉजिटिव इंटीजर है 17 और दूसरा है 17 में एक ऐड कर दें 18 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है था 90 रुपीज, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम मान लें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, लेट द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये है x रुपीज। तो इसमें कह रहा है कि 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे? नंबर ऑफ आर्टिकल थे, एक आर्टिकल का जो प्राइस था उसके दोगुने से 3 ज्यादा, माने 2x+3, इतने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, इतने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल का कास्ट यदि x रुपीज है, तो यदि इसका इसमें इंटू कर दें तो हमको टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, यानी x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, 2x²+3x-90 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दें, 2x², अब 3x को जो है दो भाग में बांट दें, यह आ जाएगा 15x-12x-90 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, 2x+15 -6 कॉमन ले लें, 2x+15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आ गया, x की वैल्यू -15/2 आ गया, तो ये नंबर तो लेंगे नहीं, x की वैल्यू 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था हमारा 6 रुपया और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स था, इसमें 6 रख दें तो 6 2 12 और 12 3 15, मतलब 15 15 ठो आर्टिकल था और एक आर्टिकल का दाम 6 रुपया था। ऐसे भी चेक कर लेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 90 आएगा, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा 15 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगा 6 रुपीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल
इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा मान लिए। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है, जो ए बी है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि बी सी की वैल्यू जो है x सेंटीमीटर मान लें, तो हमारा एल्टीट्यूड ए बी जो होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। यदि हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा दें इस ट्राइंगल में, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए सी की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। फिर कह रहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, माने इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। तो चलें फिर जो है कंडीशन लगा दें, इसकी वैल्यू जो है 13 दिया है। यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है 120 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को फैक्टराइज कर दें, 60 को काट करें, 230, 215, 35। हमको 7 लाना है तो 3 दुना 6 दुना 12, 12 में से 5 घटा दें, माने x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x आएगा। x कॉमन ले लें, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लें, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x की वैल्यू 12, एक आएगा x की वैल्यू माइनस 5। तो x की वैल्यू 12 हमारा आंसर होगा। अब 12 हो जाएगा तो उसके साइड्स क्या आ जाएंगे? अब देखिए ए बी हमारा आ जाएगा x माइनस 7, x की वैल्यू रख दें 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर ए बी आ जाएगा, माने एल्टीट्यूड। और बी सी हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ए सी तो दिया ही था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। माने एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर जो है चलती है डिस्टेंस जो है, और इफ द स्पीड है बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमको speed of the train निकालना है, तो सबसे पहले speed of the train हम assume कर लें x kilometer per hour. Let the speed of the train is equal to x kilometer per hour. कह रहा कि 480 किलोमीटर ट्रेन जो है चल रही है, तो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 480 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कंप्लीट 480 किलोमीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना आवर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर जो है
लेस हो जाए, माने कम हो जाए। यदि स्पीड जो है जो पहले एक्स था वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा एक्स माइनस 8 जो है किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन, अगेन जो है टाइम टेकन निकाल लें, ये आपका आ जाएगा 480 बाई एक्स माइनस 8 जो है आवर। तो कह रहा है कि अब यहां पे देख रहे हैं कि यहां नीचे x है, ये x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 जो है लेस वैल्यू है, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है। तो कह रहा है कि 3 घंटा जो है ज्यादा समय लगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का इसमें इंटू कर दें 480x माइनस x से डिवाइड करेंगे तो ये कटा, ये बचेगा, इससे इसमें इंटू कर दें 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 का 480 है इसमें 8 से इंटू कर दें, थ्री एट फोर जीरो इज इक्वल टू 3, ये कट जाएगा। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x में 3 से इंटू कर दें, इज इक्वल टू 3840। एक्स स्क्वायर 3840 में थोड़ा सा चेक कर लें 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं, इस चल जाएगा, इसको काट दें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये 1280 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 1280 है, इसको ब्रेक कर दें, आठ है लाना है, ये 40 और 32 है। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लें, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, एक वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 40 और एक वैल्यू आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 32। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर जो है उस ट्रेन की स्पीड थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही, रोहन की माँ जो है 26 साल जो है उससे बड़ी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज जो है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन का प्रेजेंट एज हम जो है कुछ मान लें, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज ये आ जाएगा एक्स ईयर्स। तो रोहन के मम्मी का एज जो है 26 साल जो है बड़ा है इससे, तो रोहन्स मदर्स एज क्या आ जाएगा, रोहन्स मदर एज एक्स प्लस 26 ईयर्स।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद. तो 3 साल के बाद रोहन का प्रेजेंट एज होगा x प्लस 3 और इसमें भी जो है 3 ऐड कर देंगे. नाउ आफ्टर 3 years रोहन्स एज x प्लस 3 years हो जाएगा और उनकी मम्मी का रोहन्स मदर एज x प्लस 26 में 3 ऐड करेंगे 29 years. तो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है एज का प्रोडक्ट जो है 360 है. तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360. बस इसी को सॉल्व कर लें हम लोग. x का x में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 का इसमें इंटू कर दें माइनस 360 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 42x 360 में से 87 माइनस कर दें टू 73 इज इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 32 लाना है 9 3 27 में से 9 3 27 में 9 जोड़ दें 9 7 36 देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x को लिख सकते हैं 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. अब इसके बाद यहाँ x कॉमन ले लें x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लें x प्लस 39 इज इक्वल टू 0. माने x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 और ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 39. तो ये माइनस है तो ये तो हम नंबर लेंगे नहीं. x इज इक्वल टू 7 तो रोहन का प्रेजेंट एज जो है 7 वर्ष है. यहाँ x की वैल्यू 7 रख देंगे तो रोहन्स एज हो जाएगा रोहन्स एज आ जाएगा 7 years और उनकी मम्मी का एज हो जाएगा मदर्स एज हो जाएगा 7 में 26 जो है प्लस कर दें तो 26 प्लस 7 43 ईयर्स हो जाएगा. ठीक है.